स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी इंग्लिश ग्रामर टॉपिक एडजेक्टिव्स। व्हाट इज एडजेक्टिव्स? विशेषण। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एन ओल्ड मैन, अब ये व्यक्ति है, मैन है, व्यक्ति कैसा है? ओल्ड, सो दिस इज एडजेक्टिव। अ थिन गर्ल, गर्ल इज नाउन। व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस? गर्ल। तो गर्ल कैसी है? थिन, पतली, तो थिन इज एडजेक्टिव। अ फैट मैन, अब मैन व्यक्ति कैसा है? फैट, मोटा, तो फैट इज एडजेक्टिव। अ यंग वुमैन, अब वुमैन इज नाउन, वो कैसी है स्त्री? यंग। अ टॉल ट्री, ट्री कैसा है? टॉल, बहुत ही लंबा। सो दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, जब किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? फर्स्ट वी लर्न दिस डेफिनेशन। ओके, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो वर्णन करता है, बताता है नाउन और प्रोनाउन को। ओके, लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल्स। बिफोर अ नाउन, हम एक एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी रख सकते हैं, जैसे एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो मैन इज नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव, तो ये बिफोर नाउन से पहले हमने यूज किया ओल्ड, ओल्ड इज एडजेक्टिव। सी इज अ क्लेवर गर्ल, वो गर्ल है, लड़की है, कैसी है? क्लेवर, सो दिस इज एडजेक्टिव। ही हैड बॉट अ न्यू बाइक, उसने एक बाइक खरीदी है, वो कैसी बाइक खरीदी उसने? न्यू, न्यू इज एडजेक्टिव। ओके, दीज एडजेक्टिव्स यूज बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले यूज हुए। सेकेंड, आफ्टर द वर्ब बी ई वर्ब, एम इज आर वॉज वर्ब, एम मीन्स हू, इज मीन्स है, आर मीन्स है, वॉज मीन्स था, वर्ब मीन्स थे, तो ये सारी बी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? बी की फॉर्म होती है, बी का ही रूप है, एम इज आर वॉज और वर्ब। ओके, द मैन इज ओल्ड, और यहाँ पर देखिए कि वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? इज है, बी वर्ब है इज, उसके बाद में ओल्ड का यूज हुआ है, तो दिस इज एडजेक्टिव। ये मैन जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ओल्ड, ओल्ड इज एडजेक्टिव। वी आर हंग्री, इसमें वी, व्हाट इज वी? प्रोनाउन, वी मीन्स हम, अब हम कैसे हैं? हंग्री, भूखे, तो ये वी जो प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सो दिस इज एडजेक्टिव, हंग्री। सी वॉज एंग्री विद मी, शी प्रोनाउन, अब वह कैसी है मुझसे? क्रोधित, तो शी उसके बारे में बताया प्रोनाउन के कि एंग्री, वो क्रोधित है, दिस इज एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, शी, आफ्टर वर्ब सच एज फील, सीन, लुक एंड बिकेम, अब इनके बाद हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, ही फेल्ट हैप्पी, तो ही इज प्रोनाउन, क्या है इसमें? प्रोनाउन है, अब ही को डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पी, कि वह कैसा हुआ? खुश है वो, तो ये क्या है? एडजेक्टिव, हैप्पी इज एडजेक्टिव। द गर्ल सीम सैड, अब द गर्ल, गर्ल इज नाउन, लड़की कैसी दिखाई देती है? सैड, दुखी, सैड इज एडजेक्टिव। ही लुक्स फनी इन दिस क्लोथ, ही, व्हाट इज ही? प्रोनाउन, ही, वह कैसा है? फनी, बहुत ही मजाकिया दिखाई देता है इन कपड़ों में, तो फनी इज एडजेक्टिव। दे बिकेम रिच, वो कैसे दिखाई देते हैं? रिच, दे इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिच, तो रिच इज एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू एक्सरसाइज। फर्स्ट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ कैमल हैज अ लॉन्ग नेक, एक कैमल की लॉन्ग कैसी नेक होती है? ये कैसी है? लॉन्ग, लॉन्ग इज एडजेक्टिव। अमेरिका इज अ रिच कंट्री, अमेरिका एक कंट्री है, देश है, लेकिन कैसा है वो? रिच, रिच कंट्री है, तो रिच इज एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर सिंह बोट अ न्यू कार, मिस्टर सिंह ने एक नई कार खरीदी, अब उन्होंने कार खरीदी, कैसी कार खरीदी? न्यू, तो न्यू इज एडजेक्टिव। ओके, फोर्थ, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अब अकबर जो है वो राजा है, कैसा राजा है? ग्रेट, तो ग्रेट इज एडजेक्टिव। द मैंगो इज राइप, अब मैंगो जो है वो कैसा है? पका हुआ है, तो राइप इज एडजेक्टिव। ओके, सिंगापुर इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अब सिंगापुर जो है वो देश है, कंट्री है, कैसा देश है? ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव।
व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज अ लार्ज प्लेग्राउंड। स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, बट वो कैसा है? हाउ इज द प्रोग्राम? लार्ज। कैसा प्लेग्राउंड है? लार्ज, बहुत बड़ा। तो लार्ज इज एडजेक्टिव। डू यू थिंक द बुक इज यूजफुल? तुम सोचते हो कि ये बुक जो है, क्या सोचते हो कि लाभदायक है? तो बुक जो है वो कैसी है? यूजफुल, लाभदायक। दिस इज एडजेक्टिव। गोविंद इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। गोविंद मेरा मित्र है, लेकिन कैसा है वो? डियर, प्रिय। डियर इज एडजेक्टिव। लेजी स्टूडेंट्स यूजुअली फेल। स्टूडेंट्स जो है प्राय फेल हो जाते हैं। कैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो? लेजी, आलसी। सो लेजी इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। यू लुक टायर्ड। तुम दिखाई देते हो, तुम कैसे दिखाई देते हो? टायर्ड, मिस, थके हुए। तो यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन को बता रहा है टायर्ड, थके हुए। तो टायर्ड इज एडजेक्टिव। ओके, इन दिस सेंटेंस डिफाइन यू प्रोनाउन। ही वाज सैड एट द न्यूज। तो इसमें भी सैड, दुखी है। ही प्रोनाउन, वो किसको डिफाइन डिस्क्राइब कर रहा है? सैड, प्रोनाउन को बता रहा है। जो ही है, बॉय भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कि वो जो है दुखी हुआ न्यूज सुनकर। तो सैड इज एडजेक्टिव। द केक टेस्ट नाइस। केक का टेस्ट कैसा है? नाइस। तो केक ये नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नाइस इज एडजेक्टिव। द टॉल बॉय ओवर देयर इज फाइन प्लेयर। इसमें लड़का कैसा है? टॉल है, लंबा है। तो दिस इज एडजेक्टिव। एंड फाइन प्लेयर, वो कैसा खिलाड़ी है? अच्छा खिलाड़ी है। तो फाइन इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ओके, ही टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। उन्होंने हमें एक कहानी बताई, बट कैसी कहानी थी वो? फनी, मजाक। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। वी हैड अ वंडरफुल टाइम एट द पार्टी। हमने समय व्यतीत किया पार्टी में, लेकिन कैसा समय व्यतीत किया? वंडरफुल, अद्भुत। तो वंडरफुल इज एडजेक्टिव। अ ब्लाइंड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द बिजी स्ट्रीट। एक ब्लाइंड मैन, कैसा व्यक्ति? अंधा व्यक्ति। वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था। कहाँ पर? कैसी स्ट्रीट थी? बहुत ही बिजी स्ट्रीट थी, कि वहां पर सब लोग आ जा रहे थे, ऐसी। तो दिस इज एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है। हम उसे वर्ब के बाद भी रख सकते हैं और नाउन से पहले, वो उसकी, लेकिन विशेषता वो उसकी बताता है, नाउन और प्रोनाउन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।